हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, सीबीएसई की तरफ से बड़ी खबर आई है ट्वेल्थ के एग्जाम के लिए, जो सारे स्टेट के लिए एप्लीकेबल है एंड जिन स्टेट्स में टेंथ के भी एग्जाम कैंसिल नहीं हुए उनके लिए भी ये एप्लीकेबल रहेगा। तो क्या है पूरा न्यूज हम देखते हैं। देखिए, टाइम्स नाउ का 14 मई, जो मतलब आज का दिन है, उसमें अपडेट आया करीबन 3 बजे और उसमें बोला है कि सीबीएसई ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम 2021 कैंसल और नॉट, ठीक है, कैंसल करना है कि नहीं। एचआरडी मिनिस्टर डिसीजन ऑन क्लास 12th एग्जाम लाइकली बाय मई 25, मतलब मई 25 तक आपका इसके ऊपर डिसीजन आएगा। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है स्टूडेंट की, बहुत लोग बोल रहे हैं कि अगर पहले 1 जून बोला था कि मई 25 क्यों आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे चांसेस हो सकते हैं जो आर्टिकल में मेंशन नहीं किए गए, बट मैं आपको बता रहा हूं, पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि शायद 5 दिन पहले करके फिर कुछ एक सर्वे की तरह किया जा सकता है कि मानो उसमें बच्चे लोगों को पूछा जाए एंड फाइनल डिसीजन 1 जून तक आए। तो स्टूडेंट्स प्लीज यूनाइटेड रहिए, कुछ भी आएगा मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। अब हम देखते हैं इस आर्टिकल में क्या हो रहा है। यहां पे देखिए, सुबह सुबह एक खबर आई थी कि एक ऑफिशियल ने बोल दिया था एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, सीनियर की जो एग्जाम है उसकी चांसेस कैंसिलेशन के बहुत हाई है। लेकिन जो एचआरडी मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि एचआरडी मिनिस्टर एज वेल एज सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा है कि अभी जो कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम के बारे में बोला जा रहा था उसके ऊपर हमको कुछ नहीं बोलना है। 25 मई तक ही आपको मालूम पड़ेगा कि कैंसिल हो रहा है कि कुछ और तरीके इस्तेमाल किए जा रहे, तो सब कुछ आपको मालूम पड़ने वाला है। सो यहां पे बोल दिया गया लाइकली टू बी मई 24 या 25। अब जिन स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि हम एक बेसिकली ट्विटर कैंपेन स्टार्ट करने वाले थे 30 मई को, लेकिन अब हम उस कैंपेन को शिफ्ट कर रहे हैं, हम प्रीपॉन्ड कर रहे हैं और हम वो कैंपेन अब 20 तारीख से चालू करने वाले। स्टूडेंट्स 5 दिन लगातार होगा वो कैंपेन, 20 मई के 12 बजे से स्टार्ट होगा और टिल जो फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक ये चीज चलता रहेगा। आप ट्वीट पे ट्वीट कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे के वीडियोस में देता रहूंगा। अब बात आती है कि बहुत ज्यादा 10th के स्टूडेंट जो थोड़े टेंशन में है कि उनका क्या होगा। देखिए, 10th का भी पेपर कैंसिल होगा इतना मैं आपको बता रहा हूं एंड 12th का भी कैंसिल होगा, उसके ऊपर तो हम फाइट कर ही रहे। देखिए पूरा सिनेरियो, पूरा एनवायरनमेंट कैंसिलेशन के लिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट उस बात को नहीं मानता तो वो बात अलग है, लेकिन पूरा जो सिनेरियो बना है वो कैंसिलेशन का ही बना है। अब यहां पे बात आएगी कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स भी पूछेंगे कि सर हम लोग का क्या चल रहा है, 10th के स्टूडेंट्स बोलेंगे हमारा क्या चल रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हो या बाहर के भी स्टूडेंट्स, अगर आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाली गई है 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम कैंसिल करने के लिए, एंड अगर एक किसी ने उस चीज को डाला है तो हम उसको सपोर्ट कर देते, क्योंकि देखिए अगर हम भी पीआईएल डालेंगे उस चीज के ऊपर कि भाई कैंसिल करो तो यहां पे होगा क्या, यहां पे हमारी जो यूनिटी है वो बढ़ जाएगी। कुछ लोग बोलेंगे हम इसको सपोर्ट करेंगे ये पीआईएल, कुछ लोग बोल रहे हैं इसको, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यूनिटी टूटे, क्योंकि एक बार जो 10th के साथ हो चुका है वो 12th के साथ ना हो, इसलिए हम उसी पीआईएल को सपोर्ट करेंगे जो डाला गया है पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से। सो ये सबसे बड़ी अपडेट थी, जितने स्टूडेंट्स है सबको शेयर कर दो ताकि ट्विटर मुहिम बहुत ज्यादा यूजफुल हो। 10th वाले स्टूडेंट्स आपकी भी जिम्मेदारी है, प्लस 12th वाले आपकी भी जिम्मेदारी है। तो चलिए अब एक फाइनल वो टाइम आ गया कि जब आपको पता होना चाहिए कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। तो लेट अस बी रेडी स्टूडेंट्स एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं आपको अपडेट देता रहूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।